धन्यवाद 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 करते मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आप ही हमारे आनंद है, आप ही हमारे प्रेम है मेरे पिता। प्रभु जी आप ही हमारे सब कुछ हैं पिता। आप हमारे साथ साथ रहते हैं, आप हमें कभी निराशा में नहीं जाने देते पिता। आप ही हमारे सरों को ऊंचा करते हैं, आप ही हमें गौरव प्रदान करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी आप ही हमारे गढ़ हैं, आप ही हमारे उद्धार करता है। जो प्रभु जी हमारे उद्धार करता है, हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला, हमारा रखवाला, हमारे रक्षक, हमारे चरवाहा। प्रभु जी आप ही हमारे सब कुछ है मेरे पिता। प्रभु जी इस संसार में मेरे पिता हमारी प्रभु जी देख रेख करने वाला, हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला मेरे यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। आपने अभी तक इस दोपहर तक प्रभु जी आपने हमें संभाल कर रखा, हमें आशीष दिया, हमें प्रभु जी हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से, हर एक प्रकार की बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, आपका हाथ प्रभु जी आपका दाहिना हाथ हमें तत्पर हर समय संभाले रखता मेरे पिता। हमें हर एक पापों से बचाए रखता है प्रभु जी, हमें हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभु जी हमारी रक्षा करता है, हमें हर एक गलत कामों करने से रोकता है मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु जी आप ही हमें संभालते हैं। आप ही हमारे प्रभु जी हमारी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं और हमारी हर एक चीज़ों को देखते हैं मेरे पिता। हमारे जीवन में प्रभु जी हमें हर एक दुश्मनों से, हमें हर एक प्रकार के संकटों से प्रभु जी हमें बचाते हैं। आप ही हमारे रोगों को, हमारे बीमारियों को मेरे पिता आप हमारे जीवन से दूर करते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जो प्रभु जी आप पे भरोसा रखता है प्रभु जी, वो प्रभु जी टिका रहता है, वो हर एक दुखों में खड़ा रहता है हे मेरे पिता, क्योंकि आप ही उन्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं, आप ही उन्हें हिम्मत प्रदान करते हैं हे मेरे प्रभु जी। आप ही हर एक लोगों को प्रभु जी विजयी करते हैं प्रभु जी। लोग लड़ते हैं लेकिन प्रभु जी वो जीतते तभी हैं क्योंकि आपका अनुग्रह उनके साथ रहता है हे मेरे पिता। आपका वचन कहता है यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 19, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। सचमुच वे तुझसे लड़ेंगे, कोई भी दुख हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है, कोई भी शैतानी आत्माएं हो सकता है, वे आपसे लड़ेंगे लेकिन आप पे विजय नहीं पा पाएंगे, क्योंकि बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है, वे आपकी रक्षा करता है, वो आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा और आप हर एक लड़ाई से हर एक बीमारी से जीत जाएंगे। आप लोग विश्वास करें, अड़े और खड़े रहें, देखिए प्रभु कैसे आपको विजय बनाता है। जिस प्रकार प्रभु दाऊद को हर एक लड़ाई में विजय बनाया, उन्होंने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और प्रभु ने उनको विजयी बनाया, उसी प्रकार प्रभु आज आपको विजयी बनाएगा। आप केवल उनके राहों पर चले, हर एक पापों से बचे रहे। प्रभु पापों से बैर करता है बल्कि पापियों से प्रेम करता है। यदि आज आप पापों में गिरे थे, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करना चाहता है, प्रभु आपकी रक्षा करना चाहता है, वो आपको अधोलोक में नहीं बल्कि स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। आप लोग विश्वास करें और प्रभु के मार्गों पर चले, प्रभु आपको नरक में नहीं भेजना चाहता, प्रभु आपको बचाना चाहता है। जब आप प्रभु के मार्गों पर चलेंगे तो प्रभु आपके पैरों को फिसलने ना देगा, वे आपकी रक्षा करेगा। प्रभु ना तो कभी सोता है, ना कभी वो अपनी पलकों तक झपकाता है, प्रभु कभी नहीं सोता, वो आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखता है। वो देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटियां क्या कर रहा है। आज मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप प्रभु के मार्ग पर चलने के संकल्प करें और प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु जो वादा करता है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, वो जो वादा करता है वो पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं जो अपने वादा को करके भूल जाता है, वो पिता परमेश्वर जिन्होंने इस संसार को बनाया, उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया, उन्होंने लाल समुद्र को विभाजित किया, उन्होंने यर्दन के पानी को सुखाया। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्य के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊँचा करते हैं मेरे प्यारे मसीह। आप लोग विश्वास करें प्रभु पे, प्रभु
आपको सहारा देगा, प्रभु आपके जीवन में हर एक दुखों को निकालेगा। आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे प्रभु वो चीज़ आपको देगा। आज आप लोग प्रभु के रास्तों पर चले, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको बल प्रदान करेगा हर एक दुखों से लड़ने का, हर एक संकटों से जीतने का। प्रभु आपको बल प्रदान करेगा, क्योंकि वही हमारा सहारा है, वही हमारा सहायक है। जो अपने दूतों को आदेश देता है वह हमारी आँखें रक्षा करते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपको संभालेगा। आप लोग विश्वास करें, आज के इस दोपहर में प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से चंगाई मांगे, छुटकारा मांगे। यदि आज अपने जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ों से स्ट्रगल में हैं, कोई दुखों में है, प्रभु से आशीष मांगे उस चीज़ों से आज़ाद होने के लिए। प्रभु आपको आज़ाद करेगा। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है, प्रभु दुखियों की पुकार को सुनता है। आप लोग उन्हें पुकारे, प्रभु को पुकारे, प्रभु आपको सुनेगा। और अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु पापियों से प्रेम करता है लेकिन पापों से नफरत करता है। आप लोग आज अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकारें, प्रभु को बोले कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं प्रभु जी पाप किया है, मैंने पाप किया है, प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन प्रदान करेगा, और उस नए जीवन में ना तो दुख मिलाएगा, ना संकट कोई भी विपत्तियां आपको छुपाएगा। आप लोग विश्वास करें और प्रभु की महिमा आराधना करें, प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि वही हमारा सहारा है, वही हमारा प्रेम है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारी आत्मा को मजबूत करता है, हमें हर एक प्रकार के डरों से बचाए रखता है, हमें हिम्मत देता है ताकि हम कोई भी दुखों से ना डरें, कोई भी तूफानों से ना डरें। आज प्रभु से संकट में दुहाई दे, हर एक संकट में प्रभु की दुहाई दे, प्रभु आपको आज़ाद करेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। दाऊद बोलता है, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। आज प्रभु आपको उत्तर देगा, और आपको ऐसा उत्तर देगा कि आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि प्रभु आपकी पुकार को सुनता है, वो आपको आज़ाद करेगा हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर एक प्रकार की बीमारियों से। मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें। मेरे प्यारे प्रभु जी, आज के इस दोपहर में हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी भाई बहन पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज संकटों में बीमारियों में पिता, आज तू उन्हें आज़ाद कर, क्योंकि प्रभु जी तू उनके दुखों को देख रहा है, तू उनके हर एक कष्टों को देख रहा है पिता। आपने उनके आंसुओं को देखा है मेरे पिता, आपने उनके हर एक स्ट्रगल को देखा है मेरे पिता। आज तू उन्हें आज़ाद कर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी उनके परिवारों में, जितने लोग प्रभु जी आज बीमार में है पिता, आज तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है हॉस्पिटल में मेरे पिता, आज उन्हें आज़ाद कर। जितने लोग आज प्रभु जी कर्जे में मेरे पिता, आज इस दोपहर में मेरे प्रभु जी उनके घरों में आशीष बरसा, प्रभु जी उन्हें हर एक प्रकार के कर्जों से मुक्त कर मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं और उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, जिस प्रकार आपने अभी तक उन्हें संभाल के रखा, आगे भी उन्हें संभाल और उन्हें प्रभु जी अपनी महिमा करने का सौभाग्य प्रदान कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू से ढांपते मेरे पिता। प्रभु जी अपने दूतों के द्वारा उनकी रखवाली कर, उनके परिवारों के हर एक मेंबर की रखवाली कर मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं और उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते और प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।